हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम टीचर। तब आप लोगों की तैयारी तो अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ हमारा प्रीवियस ईयर सीरीज़ भी चल रहा है ना। तो आज के प्रीवियस ईयर सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल से, जो कि 2018 का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। हमने 2021 के, 2020 के और 2019 के टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के सभी क्वेश्चन को क्लियर डिस्कस किया है ना, विद ऑप्शंस डिस्कस किया है। तो आज के सेशन में हम लोग 2018 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल बटन को भी दबा देंगे, ताकि जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या कहता है, सामाजिक विकास का एक अनिवार्य विषय है। हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं फिर ऑप्शंस को भी समझते हैं। सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट, है ना, सोशल डेवलपमेंट का एक अनिवार्य, है ना, एक जो है नेसेसरी सब्जेक्ट कौन सा है। तो सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करना, क्या समाज की व्यवस्था की जो अपेक्षाएं हैं आपसे उसको पूरा करना सामाजिक विकास का एक विषय है, एक अनिवार्य विषय है, या फिर सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति एवं संस्कृति, है ना, हमारे समाज की सुरक्षा की हम प्राप्ति कर सके, उसको स्वीकार कर सके, ये हमारा अनिवार्य विषय है, या फिर सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता, है ना। ये सी नंबर ऑप्शन क्या कहता है, समझना पड़ेगा इसको, कि जो हमारे समाज की व्यवस्था है और जो किसी एक पर्सन, किसी भी पर्सन का उद्देश्य है, उन दोनों में एक आंतरिक एकता होनी चाहिए, एक इंटरनल यूनिटी होनी चाहिए। हमारे समाज के विकास में क्या ये सहायक होगा, या फिर डी ऑप्शन कहता है सामाजिक कौशल का विकास, जो सोशल स्किल्स हैं उनका विकास। देखिए, एक समाज, एक बेहतर समाज के डेवलपमेंट के लिए एक अनिवार्य विषय यही होना चाहिए कि जो भी किसी व्यक्ति का एक उद्देश्य है और जो हमारे समाज की व्यवस्था है, उन दोनों में एक यूनिटी बननी चाहिए, तभी हमारा समाज आगे जा पाता है। अगर हम व्यक्ति कुछ और सोचता है और समाज के प्रावधान कुछ अलग है, तो फिर हमारा समाज एक अच्छे वे में डेवलप नहीं करेगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कि वर्ग कक्षा में अभिप्रेरण की चाबी है। देखिए, अभिप्रेरण का मतलब सबसे पहले आप लोग समझ जाइए, ये आपके परीक्षा में घूमते रहेगा, है ना। तो ये होता है मोटिवेशन। क्या होता है मोटिवेशन, जब हम किसी को प्रेरित करते हैं, ठीक है, वही एक प्रक्रिया है मोटिवेशन की, है ना, कि आप किसी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हो या फिर ऐसा रिएक्शन आप देते हो ताकि सामने वाला प्रेरित रहे काम करने के लिए। तो की ऑफ मोटिवेशन पूछ रहा है, अभिप्रेरण की चाबी क्या है आपके क्लासरूम में। तो कहता है ए ऑप्शन के विषय सामग्री में अंतर्निहित लाभ, मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आप एड लेके गए हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है आपको और उससे संबंधित जो भी एड्स लेके गए हो, सामग्री, है ना, पढ़ाने की सामग्री, है ना, चार्ट पेपर वगैरह, है ना, कोई दृश्य चार्ट, ये सब का उसका अंतर्निहित लाभ मिल सके बच्चों को, जिससे कि वो मोटिवेट रहेंगे। क्या ये ऑप्शन सही है, या फिर शिक्षक के व्यक्तित्व से कक्षा मोटिवेट रहेगी, है ना, एक शिक्षक की पर्सनैलिटी से क्या व्यक्तित्व अभिप्रेरणा आएगी, या फिर सी ऑप्शन कहता है वर्ग कक्षा में भावात्मक वातावरण, है ना। भावात्मक का मतलब कि आपका इमोशनल जो है वो कनेक्शन बना रहे, ठीक है, तो वर्ग कक्षा में आपका इमोशनल कनेक्ट हो, या फिर अनुकूल पाठ्यचर्या का अनुभव, कि आपका जो पाठ्यचर्या है, जो पढ़ा रहे हैं आप, उसका अनुकूल हो, है ना, बच्चों के साथ वो एडजस्ट हो। देखिए,
सिर्फ क्लासरूम की बात हो रही है, तो वहाँ पे आप अपना जो भी विषय पढ़ाने गए हो उसका जो एड लेके गए हो, उस अगर बच्चे के साथ आप उसको यूज़ करते हो, जैसे कि आप साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हो तो आप उसको दिखा कर पढ़ाओगे तो बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे, पढ़ने के लिए प्रेरित रहेंगे कि अब हमें ये देखने को मिलेगा, अब हमें ये सीखने को मिलेगा, तो आप अपने विषय सामग्री पे फोकस रहोगे। ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आधुनिक शिक्षकों के अनुसार, देखिए मेंशन किया है कोई टॉपिक, यहाँ पे आधुनिक शिक्षक मेंशन हुआ है, मॉडर्न जो टीचर्स हैं उनके अनुसार अब जो डिसिप्लिन का क्या रिलेशन है, ठीक है। अब ऑप्शंस पे बात करते हैं, तो कह रहा है कि आचरण व्यवहार को प्रभावित करने वाले कानून, है ना, जो हमारे आचरण से रिलेटेड है, है ना, हमारे बिहेवियर से, उसको प्रभावित करने वाले कानून क्या अनुशासन से वो रिलेटेड हैं, या फिर रचनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने का एक तरीका है, है ना, आपका अनुशासन जो है वो क्या है, क्या बच्चे में क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी जो बिहेवियर है उसको बढ़ाने का तरीका है हमारे जो मॉडर्न टीचर्स है वो, या फिर सी है वर्ग को नियंत्रण करने के लिए आज्ञाकारी परामर्श लागू करना, है ना, कि बच्चों को आप ऑर्डर देते रहो ताकि बच्चे कंट्रोल्ड रहें, या फिर डी ऑप्शन कहता है कि छात्र के दुर्व्यवहार को रोकना। देखिए सिर्फ छात्र के व्यवहार को रोक देने से अनुशासन वहाँ पे थोड़े पल के लिए आएगी, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा डिसिप्लिन्ड हो ही जाएगा, है ना। यहाँ पे आप कह रहे हो कि नियंत्रण, अब कंट्रोल करना बच्चों को, अब बिल्कुल ही हमारी जो मॉडर्न सिस्टम है शिक्षा का, एजुकेशन का, उसमें कंट्रोल शब्द हटा दिया गया है ना, आप बच्चों को कंट्रोल ना मार कर ना डांट कर किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। बी ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा है कि रचनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने का एक तरीका है, है ना, हमारे जो मॉडर्न टीचर्स है वो कहते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन रहेंगे तो वे क्रिएटिव बनेंगे और एक पॉजिटिव बिहेवियर उनके अंदर बढ़ेगा, ठीक है। तो अनुशासन को अब क्रिएटिविटी से और पॉजिटिविटी से जोड़ा जा रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि शिक्षकों के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं, है ना, यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं आपके सामने कि टीचर कैसा होगा, समय का पाबंद होना, क्या उस टीचर को बच्चे पसंद करेंगे, या फिर निष्पक्ष होगा। निष्पक्ष का मतलब होता है कि आप किसी एक के पक्ष में झुके हुए ना हो, है ना, आप बराबर हो, है ना, किसी भी पक्ष में आप ना हो, वो होता है निष्पक्ष। अनुशासन प्रियता, क्या सिर्फ अनुशासन के प्रिय टीचर्स हो तब, या फिर प्रभुता का मतलब होता है आप अपना आधिपत्य जमा रहे हो, आप अपना प्रभुत्व जमा रहे हो, है ना, कि हम बड़े हैं तुम लोगों से तो हम ही तुम लोगों से ऊपर रहेंगे, ये चीज़। देखिए बच्चे उसी शिक्षक को पसंद करते हैं जो शिक्षक किसी भी पक्ष को एक फेवर नहीं करता, या फिर जैसे कि लड़के लड़कियों का पक्ष है ना, कि कोई टीचर सिर्फ लड़के का पक्ष लेता है लड़कियों का नहीं, या फिर लड़कियों का पक्ष लेता है लड़कों का नहीं, तो उस टीचर को सारे बच्चों का प्यार समान रूप से नहीं मिल पाता है। तो शिक्षक का जो सबसे अधिक पसंद करने वाला गुण है वो है निष्पक्षता, कि आप किसी पक्ष में ना रहो, सबके लिए समान रहो। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में कौन सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है। देखिए सीखना मतलब लर्निंग होता है, क्या होता है, लर्निंग, है ना, हमारे टीचिंग में इसको अधिगम नाम से भी जानते हैं, क्या अधिगम, इसका भी सेम मतलब होता है सीखना, ध्यान रखेंगे, अधिगम यानी सीखना, लर्निंग इसको बोला जाता है। तो जो हमारा सीखना है और उसका परिणाम क्या निकल के नहीं आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पे ज़रूर ध्यान देंगे, ठीक है। मनोवृत्ति, जो आपका एटीट्यूड है, क्या वो सीखने का परिणाम है, क्या आपका जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, संप्रत्यय, तो क्या आपका कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आता है या नहीं आता है, क्या आप में डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है, विकास, या फिर कौशल का मतलब स्किल होता है, स्किल, है ना,
स्किल होता है, मतलब किसी भी चीज़ में आपका महारत हासिल करना वही होता है आपका कौशल। तो देखिए, आप जब लर्न करोगे, आप सीधी सीधी एक बात देखो कि जब आप लर्न करोगे, कोई भी चीज़ सीखोगे, तो आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट तो बनेगा ना उस चीज़ का कि हमने ये चीज़ अब सीख लिया। जैसे साइकिल चलाना आप सीख रहे हो, है ना, तो धीरे धीरे आप पैडल मारना, फिर ना बैलेंस करना, शरीर को हैंडल घुमाना सीखते हो ना, फिर जब एक समय आता है कि आप सीख जाते हो, तो एक आपका कॉन्सेप्ट बना है कि साइकिल पे हमको बैठना है, हमको ऐसे चलाना है साइकिल को, साइकिल चलने लगती है, तो वो एक कॉन्सेप्ट बन गया आपका, सीख गए, कॉन्सेप्ट भी आ गया। डेवलपमेंट भी होता है ना, पहले साइकिल चलाना नहीं जानते थे, जब आपने सीख लिया तो आप में डेवलपमेंट हो गया कि आप साइकिल चला लेते हो। और डी ऑप्शन हो गया कौशल, मतलब कि अब आंख बंद करके भी आप साइकिल चला लेते हो, इतना ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर लिया है ना, उस चीज़ को इतना ज़्यादा अभ्यास कर लिया कि आपको अब आंख बंद करके भी कोई कहेगा तो साइकिल चला लोगे, तो ये डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। लेकिन एटीट्यूड, क्या सीखने से आपका एटीट्यूड चेंज होता है? मनोवृत्ति, मन की वृत्ति होती है ना, ये मन की वृत्ति होती है हमारी मनोवृत्ति, तो ये एटीट्यूड जो है सीखने के बाद भी चेंज नहीं होती है ना, जिसका जो एटीट्यूड रहता है वो सीखने से बदल नहीं जाता है। हाँ, भले उस पर प्रभाव कम अधिक पड़ सकता है, लेकिन वो उत्पाद के रूप में सामने नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सीखने का परिणाम नहीं होता है, मनोवृत्ति। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय है ना, अब पढ़ाने में, टीचिंग कराने में सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, ठीक है, जब आप समाज के प्रति सेवा करते हो तब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या फिर आप जब बच्चों के विकास में अपना योगदान की भावना रखते हो तब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या फिर बच्चों के साथ प्रेम भाव से रहते हो तब सेटिस्फाइड रहोगे, या फिर एक टीचर के रूप में प्रतिष्ठा एवं क्षमता का भाव रहेगा तब। देखिए, जब आप सेटिस्फैक्शन महसूस करोगे, जब बच्चे आपसे कुछ सीख सके, है ना, जब बच्चे आपके सीख के आपको तारीफ कर सके कि सर आपकी बात हमको, या मैम आपकी बात हमको समझ में आ गई, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि बच्चों का विकास का जो योगदान देना होता है वो टीचर के लिए सबसे ज़्यादा संतोष का विषय होता है, कि आप उसके डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हो सच में कि नहीं। बी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है, किस विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं, ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या सिर्फ देखकर छात्र सीखेंगे, पढ़कर सीखेंगे, सुनकर सीखेंगे, या खुद से करके सीखेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा छात्र जो हैं वो खुद से करके ही सीखते हैं, है ना, आप कितना भी उनको देखने दो, हालांकि सबसे सीखते हैं देखकर भी, सुनकर भी, पढ़कर भी, लेकिन जब वो काम वो खुद से कर लेंगे ना, एक जहाज़ बनाने को दे दो बच्चों को, अगर वो खुद से मोड़ के जहाज़ बना लेता है वो कभी नहीं भूलेगा, है ना, जितना कि दूसरों का वो चार बार देखेगा तब दिमाग में उसके आएगा, है ना, या फिर सुनेगा तब तो और धीमे आएगा, है ना, पढ़ेगा तो उससे भी धीमे आएगा, ठीक है। तो पढ़ने से ज़्यादा देखने पढ़ने से थोड़ा ज़्यादा सुनने से ज्ञान हो जाता है, सुनने से ज़्यादा देखने से हो जाता है, देखने से ज़्यादा आपका करके सीखने से होता है, तो डी ऑप्शन हो जाता है, सबसे अच्छा ज्ञान आपको जब आप खुद करोगे तभी आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ क्या होती है, को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं, क्या होती हैं, को करिकुलर, है ना, और इनका उद्देश्य क्या होता है, को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो यही होती हैं कि आप बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनका हर गुण का विकास कर रहे हो, है ना, तो को करिकुलर एक्टिविटी आपका इसका मेन एम क्या है यही पूछ रहा है। छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना, अब देखिए ये सारी बातें तो आपको समझ में आ रही है, लेकिन सुसमायोजन कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, समायोजन का मतलब होता है एडजस्ट करना, ठीक है, आप जो भी वातावरण है उसमें एडजस्ट कर जाओ, यहाँ पे समायोजन का मतलब यही होता है। तो छात्रों का जो पर्सनालिटी है उसमें वे एडजस्ट करें, इसीलिए को करिकुलर एक्टिविटी कराई जाती है, या फिर कक्षा के दैनंदिक क्रियाकलापों से मुक्ति,
है ना। अब कहने का मतलब कि जो कक्षा के रोज के क्रियाकलाप है उससे मुक्ति दिलाने के लिए को करिकुलर एक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, या फिर पुनर्पाठ कार्य जगत से छात्रों को परिचित कराना है ना। अब पुनर्पाठ कार्य क्या है कि मतलब जो भी पाठ आपका पढ़ रहे हो उसी को कार्य करके कैसे करना चाहिए। जैसे कि पेंटिंग आप देखते हो तो उसको कैसे आपको करना चाहिए, ये को करिकुलर एक्टिविटी में सिखाया जाएगा। या फिर जो चीज़ आप बुक में देखते हो पढ़ते हो उसको फिर रियल में कैसे करोगे इसके लिए। या फिर डी ऑप्शन आपका कहता है कि विद्यार्थियों की स्थानापन्न संतोष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मतलब कि जो उस वक्त की विद्यार्थियों की नीड है उसको सेटिस्फाई कर देना, ठीक है, ये होता है। देखिए सबसे ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटी में बच्चे एडजस्ट होना सीखते हैं, ठीक है, अपने व्यक्तित्व से वो एडजस्ट होना सीखते हैं। जिस बच्चे का जिस खेल में रुचि है, जिस करियर में रुचि है, अगर उसके अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज़ होती रहें तो वो अपने व्यक्तित्व से रिलेटेड उसमें कुछ ना कुछ चुन लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट इसमें, हमारा परफॉर्मेंस इसमें है अच्छा, है ना। तो इसकी भावना का विकास करने के लिए को करिकुलर एक्टिविटी कराई जाती है ताकि वे समाज से भी अपना सुसमायोजन कर सके, बच्चों के साथ भी, साथ ही साथ अपने इंटरेस्ट के साथ भी, अपने भविष्य के साथ भी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा शिक्षण में रुचि बरकरार रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। अब देखिए रुचि है ना, इंटरेस्ट की बात फिर से आ रही है कि जो आपका क्लास टीचिंग है उसमें आप इंटरेस्ट को कैसे बरकरार रखोगे। आप अगर एक टीचर हो तो आप क्या करोगे। ए ऑप्शन कहता है श्याम पट का सर्वाधिक प्रयोग। श्याम पट का मतलब ब्लैक बोर्ड होता है, बार बार मैं बताती हूँ, ठीक है, क्या होता है, ब्लैक बोर्ड होता है। तो क्या आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते रहने से बच्चे रुचि लेंगे, इसमें तो बच्चे ऊब जाते हैं। टीचर सिर्फ बच्चे को लिखवाए जा रहे हैं, है ना, तो इसमें बच्चों का कोई काम नज़र नहीं आता है और बच्चे इसमें एक हद के बाद ऊबना शुरू कर देते हैं, है ना। व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण देना, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि आप बच्चों के जो दैनिक कार्य हैं, है ना, उनका जो जीवन है उससे रिलेट करके एग्जाम्पल दो, है ना, ये हो सकता है। यस सी ऑप्शन कहता है कि विभिन्न प्रकार की सहायक पठन सामग्री का व्यापक उपयोग, है ना, जो आपके तरह तरह की सहायक सामग्री होती है, टीचिंग एड्स होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग, यहाँ पे व्यापक शब्द जोड़ा गया है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। फिर है विचार विमर्श के लिए छात्रों को अधिक से अधिक अवसर देना। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी आप खुद ही पढ़ाई करोगे तो कक्षा में क्या टीचर्स लेक्चर दे रहा है और सुन रहे हो, या फिर वो ब्लैकबोर्ड पे लिखते जा रहा है और आप उतारते जा रहे हो, या फिर वो सबसे ज़्यादा सिर्फ टीचिंग मटेरियल का यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसमें कोई आपका योगदान नहीं हो पा रहा है, तो क्या आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में बनेगा। देखिए उदाहरण से भी थोड़ा बन सकता है, थोड़ा बहुत आप इंटरेस्ट ले सकते हो अपने घर की बातों से रिलेट करके, या फिर टीचिंग एड्स में भी बच्चों का होता है इंटरेस्ट, लेकिन व्यापक उपयोग बहुत ज़्यादा भी सही नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है कि जब बच्चे आपसे प्रश्न पूछेंगे, टीचर से और टीचर बच्चों से, तो जब दोनों इंगेज रहेंगे तभी ना इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा कक्षा में, उससे क्या होगा कि क्लास पता भी नहीं चलेगा, है ना, कि कब ख़त्म हुआ। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि, अब देखिए ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है, है ना, कि दिव्यांग जो है पहले इनको विकलांग बोला जाता था, ठीक है, और 2015 के बाद अब विकलांग लोगों को विकलांग बोलना कानूनी रूप से सही नहीं है, अब दिव्यांग शब्द का यूज़ किया जाना है, कहीं भी किसी भी जगह पर उनके लिए दिव्यांग शब्द का यूज़ किया जाता है, दिव्यांग। तो इनके लिए शिक्षा अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है, क्या वे असुरक्षित हैं इसलिए अनिवार्य है, उनको शिक्षा की विशेष आवश्यकता है इसलिए अनिवार्य है, या उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है इसलिए अनिवार्य है, या वे गरीब होते हैं। देखिए इसको हमारे जो अभियान चला है ना, हमारी सभी शिक्षा के लिए, सभी के लिए एक अभियान चला, सर्व शिक्षा अभियान, है ना, उसी से रिलेटेड हमारा जो एक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। बार बार आपसे पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना, कब लागू हुआ, तो इसके अनुसार अब
सबको शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है? तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रेल डैश पर आधारित है। ब्रेल देखिए, ब्रेल एक लिपि है, ठीक है, स्क्रिप्ट है जो कि उभार होता है उसमें, और ये किसके लिए यूज़ की जाती है, ये ब्लाइंड पर्सन के लिए यूज़ की जाती है। जो भी हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं वे चीज़ों को ना देख सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, जिससे उनको पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है? उनके सामने कुछ रहता ही नहीं है, कुछ दिखाई देगा तब ना वो पढ़ पाएंगे देख के। तो इसके लिए जो उभार करके शब्दों को बनाया जाता है, उनकी एक अलग ब्रेल जो स्क्रिप्ट है वो बनाई गई है, अलग बुक्स छपती हैं, तो उसके आधार पे वे सीखते हैं उभार को टच करके कि कौन सा वर्ण कैसा है ना, कौन सा लेटर कैसा है इसके आधार पे। तो ये उभार पे आधारित है, उभार मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लर्निंग, सीखना डैश पर निर्भर है ना, सीखना, बार बार बोलती हूँ, इसको अधिगम भी बोला जाता है। तो अधिगम किस पे निर्भर करता है, टैलेंट पे, जो बच्चा है वो टैलेंट कितना टैलेंटेड है, माता पिता के एटीट्यूड पे, मनोवृत्ति पे, ये एटीट्यूड होता है मनोवृत्ति का मतलब, सहकर्मी के मनोवृत्ति पे मतलब कि जो साथ में काम कर रहे हो उसके मनोवृत्ति पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए टैलेंट जो है बहुत हद तक सीखने पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता ही है ना। कोई बच्चा अपनी प्रतिभा के अनुसार ही सीख पाता है कि उसके अंदर टैलेंट कितनी है, वो कितना चीज़ों को गेन कर पाता है, ग्रहण कर पाता है। तो प्रतिभा जो है वो सीखना पर निर्भर करता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, नए विषय या पाठ्य को विकसित करने के लिए शिक्षक को डैश आना या होना चाहिए, ठीक है? न्यू जो सब्जेक्ट है या पाठ्य है उसको डेवलप करने के लिए एक शिक्षक को क्या आना या होना चाहिए। ऑप्शंस पर देखते हैं क्या कहता है ऑप्शंस हमारा, विषय का सर्वांगीण ज्ञान है ना, विषय का सर्वांगीण ज्ञान, विषय के महत्व की व्याख्या, विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि, या फिर शिक्षक के स्वयं की रुचि। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि नए विषय का पाठ्य को विकसित करने के लिए, नए विषय, कोई नया विषय का जब आप पाठ्य विकसित करना चाहते हो है ना, पढ़ाना चाहते हो, या फिर आप बच्चों को वो सिखाना चाहते हो, तो उसमें आपको उस विषय का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा प्रभाव छोड़ पाओगे। एक टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। जब उसको विषय का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो क्या शिक्षा दे पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो उसको अपने विषय का ही ज्ञान होना चाहिए। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहता है, विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का डैश से सहमति होना चाहिए है ना। ये कह रहा है कि हमारा जो स्कूल है उसका करिकुलम, पाठ्यक्रम करिकुलम, जो कि एक साल भर के लिए तय किया जाता है हर वर्ग के लिए है ना, कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस वर्ग में क्या क्या एक्टिविटीज़ करानी है, क्या क्या आपको अलग से जो है ऑर्गेनाइज करना है ना बच्चों के लिए। तो उसका जो है पूछ रहा है कि डैश के स्वरूप का, विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का डैश से सहमति होना चाहिए। उसका जो स्वरूप है उससे किसकी सहमति मिलनी चाहिए भाई। तो ए ऑप्शन कह रहा है अतीत में विद्यालय की सामान्य संस्कृति है ना, क्या जो अतीत में विद्यालय की कल्चर रहा है क्या उसके अकॉर्डिंग विद्यालय का पाठ्यक्रम रहना चाहिए। जो अतीत में रहा है, अतीत शब्द आपको पीछे ले जाता है। छात्रों की रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य से सहमति, मतलब छात्रों का जो इंटरेस्ट हो उनके लिए जो सही हो है ना, और उनका जो एम हो उसकी सहमति होनी चाहिए, या फिर शिक्षकों की रुचि, या फिर विभिन्न विषयों के उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें। देखिए जो भी करिकुलम बनाए जाते हैं वो हमारे बच्चों को पढ़ाना है तो उन्हीं के प्रति बनाए जाने चाहिए ना, कि बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, उनको नीड क्या है ना। तो छात्रों की रुचि और रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य पे ही ये निर्भर करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों का प्रथम उत्तरदायित्व डैश के प्रति है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टीचर सबसे ज़्यादा किसके प्रति उत्तरदायित्व रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो अपने छात्र के प्रति रहेगा है ना।
क्योंकि उसकी जिम्मेदारी छात्र ही ना है। टीचर किसको शिक्षा देगा, छात्र को देगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे पहले छात्र ही है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का डैश मुख्य लक्ष्य है ना। आप अपने वर्ग में, अपने क्लास में डिसिप्लिन को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो इसका मेन एम क्या है, ठीक है, तो पाठ्य पठन का अनुकूल वातावरण उसका मुख्य लक्ष्य है। क्या आप टीचिंग जो लर्निंग है उसका एक अनुकूल वातावरण बना दोगे तो क्या बच्चे अनुशासन में रहेंगे, या फिर विद्यार्थियों का उचित आचरण, ये उसका एम है कक्षा में अनुशासन बढ़ाने का, या फिर कक्षा में शांति एवं व्यवस्था लागू करने के लिए आप अनुशासन रखना चाहते हो, या फिर विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन करने के लिए। देखिए, विद्यार्थियों को सेल्फ डिसिप्लिन है ना, आत्म अनुशासन आने के लिए ना हम अनुशासन में रखते हैं, है ना। अनुशासन किस लिए सिखाया जाता है, ताकि बच्चे खुद में अनुशासित रहें। अब हमेशा बच्चे तो आपके साथ नहीं रहेंगे ना, लेकिन क्लासरूम में जब आप उनको अनुशासन में रहना सिखाते हो तो वो बाहर भी अपने आप को अनुशासित रखते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम क्या है, है ना। कहने का मतलब, जो भी हमारा विद्यालय में जो टीचिंग होता है उसमें मूल्यांकन का सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आयाम क्या है। देखिए, सबसे ज़्यादा अब मूल्यांकन करने का मतलब है कि आप उस बच्चे को आंक रहे हो, है ना, उस बच्चे को आप ग्रेड में बांट रहे हो कि उस कैसा है, है ना। तो जांच परीक्षाओं की तैयारी करना क्या मूल्यांकन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा? नहीं। प्रदर्शन की पर्याप्तता की जांच, ये थोड़ा बहुत सटीक हो सकता है, ठीक है। विकास का मापन या श्रेणी निर्धारण, देखिए सबसे जो चुनौतीपूर्ण पूछ रहा है, चुनौतीपूर्ण श्रेणी ग्रेडिंग का निर्धारण करना होता है। क्या पता कि बच्चा अच्छा हो पढ़ने में, और जब वो परीक्षा दे रहा हो तो उसकी तबीयत ठीक ना हो, या फिर उसके मानसिक जो है वो अच्छा ना हो, ताकि वो उसको आंसर लिखने में परेशानी हुई हो, तो क्या उसका मार्क्स जैसा आएगा आप उसी के अकॉर्डिंग उसका श्रेणी निर्धारण कर दोगे, है ना, क्या आप ऐसा करोगे? तो ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है कि आप क्या करोगे उस केस में, है ना। तो श्रेणी निर्धारण मूल्यांकन प्रक्रिया का एक चुनौतीपूर्ण आयाम है। आयाम का मतलब कि उसके जो अलग अलग मूल्यांकन करने का जो स्टेप होते हैं, ठीक है, कि पहले आपको क्या करना है, एक एम बनाना है, है ना, फिर उसकी तैयारी करनी है, फिर आपको परीक्षा लेना है, फिर आपको रिजल्ट देना है, ये सारे स्टेप्स होते हैं मूल्यांकन के, ठीक है। तो उसमें आपको ग्रेडिंग जब देना होता है तो एक वो चुनौतीपूर्ण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक के लिए पाठ्य सामग्री को प्रभावोत्पक बनाने के लिए, ठीक है, कहते हैं कि पाठ्य सामग्री जो आपका टीचिंग एड्स है, है ना, तो वो आप पाठ्य सामग्री को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करोगे। ए ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों के अनुभव से पाठ्य सामग्री को जोड़ देंगे, ये तो क्वेश्चन अच्छा है, इफेक्टिव रहेगा, जो विद्यार्थी एक्सपीरियंस का है करते हैं उसी से अपने आप पाठ्य सामग्री को भी रिलेट कर दोगे, या फिर कहते हैं कि इस तरह से प्रस्तुत करना कि विद्यार्थी उसे ग्रहण कर सकें, ये भी ठीक है, या फिर सी कहता है पाठ्य सामग्री की सुव्यवस्थित प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन उसका अच्छा होना हो, या फिर पाठ की सोदाहरण एवं विस्तार से व्याख्या। देखिए, व्याख्या से प्रभावी तरीका कोई नहीं होता है, व्याख्या देना, लेक्चर देना, है ना। आप बच्चों को उनके एक्सपीरियंस से जोड़िए, ठीक है, जैसे कि बच्चे रोज़ अपने घरों में देखते हैं कि चावल बनता है, है ना, चावल पकता है, या फिर पानी उबलता है तो पानी से भाप निकलता है। तो आप अपना जब जो भी साइंस वगैरह का जो चैप्टर पढ़ा रहे हो, अगर उसमें ऐसा कुछ आता है जिसको आपको जोड़ना पड़े, जैसे कि आपको सिखाना है वाष्पीकरण, है ना, ये प्रक्रिया सिखानी है, तो आप उसको ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, कि आप देखते हो, अब हम करके दिखाते हैं, है ना, आपको पानी उबलते हुए जब दिखाई देगा तो गैस जो है बाहर जाएगा, तो आप अपने घर पे भी देखते हो, तो उनके अनुभव जो वो एक्सपीरियंस किए हुए हैं उनसे जोड़ोगे ना, एक मिनट में बच्चा उस चीज़ को समझ जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर सामान्यतः शिक्षक क्या करता है। ठीक है, अब विषय से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपका विद्यार्थी आपसे पूछता है ना, आपके विषय से रिलेटेड जब वो पूछेगा तो आप क्या करोगे? बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट उत्तर दे दोगे? ये आधुनिकता में जो है, आधुनिक हमारी जो मॉडर्न शिक्षा है उसमें डायरेक्ट आंसर देना भी अब अलाउ नहीं किया जा रहा है ना। आप फिर उसको भी कहा जा रहा है कि ऐसे तरीके से कीजिए कि बच्चा खुद ही उसको समझ के आंसर कर ले, है ना। ये तरीका अब ज़्यादा प्रचलित है। बी ऑप्शन कहता है पाठ्य पुस्तक अथवा अन्य संदर्भ ग्रंथ का निर्देश, है ना। मतलब आप बोलोगे कि बुक में देखो या फिर उससे जो संदर्भित अन्य जो बुक्स है उसको देखो, या फिर दूसरे बच्चों को वही प्रश्न के लिए उत्तर देने के लिए कहेंगे कि चलो तुमको नहीं आ रहा है वो बताएगा, ऐसा करेंगे, या फिर बच्चों को स्वयं उत्तर देने के लिए क्या बोल रहा है, मदद करना। देखिए ये कितना अच्छा ऑप्शन है डी, है ना, कि अगर बच्चा आपके विषय से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहा है जो आपने पढ़ाया हो तो आप मदद कीजिए उसकी कि खुद से ही आंसर ढूंढ सके। जैसे कोई हिंट दीजिए कि अच्छा आपने ऐसे किया तो आपको क्या समझ में आया, है ना। तो बच्चा कहेगा हमको ये समझ में आया, तो इसका फिर कंक्लूजन क्या निकलता है। इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो बच्चा खुद ही आंसर ढूंढ लेगा, है ना। तो आपको ये काम ज़्यादा करना है। हमारी आधुनिक शिक्षा भी यही चाहती है कि बच्चे को आप इंक्लूड रखिए, बच्चे को आप शिक्षा उसी के अनुसार दीजिए। फिर आता है संख्या गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है। देखिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग अब बहुत ही ज़्यादा किया जाने लगा है। यहाँ पे है डिसक्रेसिस, यहाँ पे है डिसपेप्सिया, यहाँ पे है डिसलेक्सिया और है डिसकैलकुलिया। ठीक है, अब ये क्या कहता है, डिसलेक्सिया जो है हमारे गलत जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो दिव्यांगता उनकी होती है। ठीक है, डिसलेक्सिया जब बच्चे पढ़ने में गलती करते हैं तो वे डिसलेक्सिया पठन पठन संबंधी एक विकार होता है। ठीक है, कि वो बी को डी पढ़ दिए, डी को बी पढ़ दिए, है ना, एम को डब्लू पढ़ दिए, इस तरीके से। यहाँ पे डिसपेप्सिया एक पेट से संबंधित बीमारी है और डिसकैलकुलिया भी एक आपका कैलकुलेशन से संबंधित लक्षण है ना, विकार है जो कि बच्चों में पाया जाता है। वे जोड़ने घटाने गुना आदि करने में बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं, तो वो है डिसकैलकुलिया। डिसक्रेसिस क्या है, डिसक्रेसिस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्या देना है, कमेंट बॉक्स में, कि डिसक्रेसिस का मतलब क्या होता है सिंपल वे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, शिक्षण संस्थानों में अच्छा पदाधिकारी वह है जो, है ना। अब जो टीचिंग आपके जो भी संस्थान है ना, उसमें एक अच्छा पदाधिकारी कौन हो सकता है। कह रहा है कि ए ऑप्शन, जो अच्छे शिक्षण संस्थानों के प्रशासन एवं उनके सिद्धांतों को कड़ाई से लागू करना जानता हो, है ना। कड़ाई से लागू करना नेगेटिव वर्ड है, कट जाएगा ऑप्शन। विशेषकर अनुशासन के प्रति सावधान है एवं दुर्व्यवहार और दुराचरण से समझौता नहीं करता है। क्या इतना ज़्यादा रिजिड होना, कठोर होना सही है, या ऑप्शन सी कहता है कि अपने दृष्टिकोण पर लचीला, सहयोग निर्भर एवं व्यवहार में मानवीय स्पर्श रखता है। बिल्कुल ही ऑप्शन सी सही है ना, कि शिक्षण संस्थानों में एक पदाधिकारी के रूप में आपको लचीला, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, है ना। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, आपको एक सहयोग निर्भर वातावरण करना पड़ेगा कि बच्चे को या फिर किसी भी वहाँ पे फैकल्टी को या फिर जो कार्य कर रहे हैं उसको आप अच्छा सहयोगात्मक व्यवहार फील कराएं। यहाँ पे एक है मानवीय स्पर्श, है ना, आप उसको ह्यूमैनिटी दिखाएं। डी ऑप्शन कहता है छात्र एवं कर्मचारियों को कार्य स्वतंत्रता, उनके कार्यों में नगण्य हस्तक्षेप, हस्तक्षेप करना एक अच्छा आचरण नहीं होता है ना। किसी भी मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे आप, भले उनको सहयोग जरूर करेंगे, तो सी ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यमान ज्ञान के द्वारा निष्कर्ष निकालने में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन उपयुक्त है, है ना। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
विद्यमान ज्ञान का मतलब कि जो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, ज्ञान का मतलब इंफॉर्मेशन होता है ना, सूचना होती है, तो जो आपके पास कुछ तथ्य दिए गए हैं और उसके द्वारा कहा जाएगा कि आप कोई निष्कर्ष निकालो, कोई आंसर निकालो, एकदम अंतिम आंसर दो। जैसे कि आपको कोई सवाल क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के लिए पहले आपको हिंट दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया कि अच्छा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। उस पर आप अब ये बनाओ, टू स्क्वायर टू प्लस थ्री का होल स्क्वायर बनाइए। तो ये तो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, आप उसके आधार पर मैं कह रही हूँ कि आप ये बनाओ, है ना, तो आप तो बना दोगे। तो यही चीज़ कह रहा है क्वेश्चन कि आपको एक विद्यमान ज्ञान दे दिया जाता है, जैसे मैंने फॉर्मूला बता दिया, अब मैं कहती हूँ कि आप एक निष्कर्ष पे पहुँचिए, आप एक आंसर निकालिए, तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इस पद्धति को कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग विधि, है ना। क्या होता है? निगमनात्मक तर्क विधि, इसका हिंदी होता है निगमनात्मक। आगमन विधि, निगमन विधि आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये ज्ञान प्राप्त करने की विधि, सीखने के विधियां हैं, है ना, कैसे कैसे बच्चे सीख सकते हैं। और ठीक उल्टा इंडक्टिव रीजनिंग विधि इसी का ठीक उल्टा है, आगमन तर्क विधि, ठीक है। कहने का मतलब मैंने आंसर बता दिया, ठीक है, कि मैंने कह दिया कि ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब मैं बोलती हूँ आप इसको प्रूफ कीजिए कि ये कैसे हुआ, तो फिर आप एक थ्योरी लगाते हो, ठीक है, उसको प्रूफ करते हो कि कैसे हुआ। तो यही चीज़ है कि जब आप प्रूफ करते हो, है ना, फिर आप क्या करते हो कि अज्ञात की तरफ बढ़ते हो। आपको ज्ञात हो गया कि इसका रिजल्ट ये आएगा, लेकिन ये हुआ कैसे जब आपको पता करना होगा, तो आप इंडक्टिव का, आगमन का पता करोगे कि आपको आता तो है कि ये क्या होगा, लेकिन आपको उसका पूरा थ्योरी निकालना है। और निगमनात्मक की आपको पूरी थ्योरी बता दी जाएगी, उसके बाद आपको आंसर निकालना है, तो डिडक्टिव रीजनिंग मेथड। अब देखिए बाकी का भी याद समझ लेते हैं। सर्वे विधि, है ना, सर्वे का मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी रहेंगे और सर्वे कराया जाएगा कि आपको इसमें क्या पसंद है, आपको इसमें क्या है, आपकी रुचि इसमें, मतलब कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारे उसके ऑप्शन रहेंगे, और एक उसमें आपको टिक करते जाना है, उसके आधार पे एक कंक्लूज़न निकलेगा कि आपका यहाँ पे ये आंसर, यहाँ पे ये आंसर है, उसके हिसाब से आपका ये जो निकल के आ रहा है ये आपका ऑथेंटिक आंसर ये हो सकता है, ठीक है। डिस्कवरी विधि की आप खोज लो, है ना, कहने का मतलब बच्चों को फ्रीडम छोड़ दीजिए कि आप आंसर खोजो, जिस तरीके से खोजना है आपको खोजो, ये आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो उसमें बच्चे खोज करते हैं कि ये कैसे होगा, है ना, वे अपना दिमाग लगाएंगे। ये बहुत अच्छा मेथड है, डिस्कवरी मेथड साइंस में बहुत ज़्यादा काम करता है। आगे है वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम, ठीक है, वैज्ञानिक प्रक्रिया, ठीक है। फिर आ गया हमारा जो साइंटिफिक प्रोसेस होता है उसका एक चुनौतीपूर्ण आयाम कह रहा है कि मतलब कि कुछ भी हो सकता है ना। चुनौतीपूर्ण कहने का मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा कौन सा स्टेप है। तो क्या समस्या चुनौतीपूर्ण होती है? समस्या कभी चुनौतीपूर्ण नहीं होती है। परिकल्पना, क्या उसको इमेजिन करना चुनौतीपूर्ण होता है? नहीं, जब कोई साइंटिफिक प्रोसेस में होता है तो वो इमेजिन उसी समस्या के अनुसार कर सकता है, चाहे जिस तरीके से करे, चार इमेजिन करे, पांच इमेजिन करे, ना, जितने चाहे इमेजिनेशन क्रिएट कर सकता है। पद्धति, है ना, जो प्रोसेस उसका होता है, क्या वो चुनौतीपूर्ण होता है, या फिर उसका निष्कर्ष। देखिए, हमारी जब भी हम लोग वैज्ञानिक तरीके से तर्क करते हैं, सोचते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है ना। जैसे कोई केमिकल है, आप किसी केमिकल को किसी और केमिकल में अगर मिलाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको तो समस्या दिख गई, आपने इमेजिन भी कर लिया कि हाँ भाई ये ऐसे मिलाएंगे, ऐसे करेंगे, ये हो सकता है, ठीक है, आपने उस प्रोसेस को भी कर लिया। लेकिन उसका परिणाम ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी इमेजिनेशन थी उसी के अकॉर्डिंग है, है ना, कुछ अलग भी आ सकता है। तो ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण स्टेप होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा शिक्षक के डेस्क से, ठीक है। ये कहता है कि जो छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा,
तो शिक्षक के किस व्यवहार से या फिर किसके चलते आएगा? कानूनी प्राधिकार से क्या छात्र का सम्मान एक प्राथमिक रूप से शिक्षक के प्रति आ जाएगा, या फिर वयस्क के रूप में प्रतिष्ठा उसकी रहेगी तब आएगा, या फिर व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सद्भावना रहेगी तब आएगा? देखिए, सी ऑप्शन सही है। एक मैंने ऊपर बात की थी निष्पक्षता की, वही रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि छात्र उसी शिक्षक को पसंद करते हैं या फिर वो उनको अपने टीचर के रूप में एक आइडियल मानते हैं जो कि एक ईमानदार होते हैं, है ना, एक सद्भावना से पूर्ण होते हैं या फिर निष्पक्ष होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। और क्वेश्चन नंबर 120 है, विचार निर्धारण के क्रम में, ये क्या है विचार निर्धारण आपका क्या है? जो हमारा एक आइडिया है उसका निर्धारण करना, उसको ज्ञात करना, उसके क्रम में क्या पहले आएगा। ठीक है, जब हम कोई एक आइडिया को डेवलप कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए सबका पहले अर्थ समझ लीजिए। संक्षेपीकरण करने का मतलब है कि छोटा करना चीज़ों को, है ना, कि जो भी हम एक थॉट बना रहे हैं तो जिसके प्रति बना रहे हैं उसको अलग अलग छोटे छोटे भागों में कर रहे हैं। विभेदीकरण करना कि मतलब उनको अलग अलग टुकड़ों में करके उनके बारे में जानना, है ना। अनुभवी मतलब फिर उसको एक्सपीरियंस करना। और डी ऑप्शन सामान्यकरण कहता है कि आप चीज़ों को जनरलाइज कर दिए, है ना, सामान्यकृत कर दिए कि अब आपको पता है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो जल ही बनेगा, ये सामान्यकरण हो गया आपके थॉट प्रोसेस का। ठीक है, आपका जो थॉट है वो जान चुका है कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमारा जल ही बनेगा। ठीक है, या फिर आपका ये भी जनरलाइज कर लेते हो किसी घटना के आधार पे या फिर कोई चीज़ के आधार पे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका रिएक्शन ये होगा। जैसे कि हम आँख बंद करके साइकिल चलाएंगे तो ये जनरलाइज है सबके लिए कि हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए क्योंकि ऐसा होता है अक्सर। तो आप पहले चीज़ों को छोटे छोटे करके सोचोगे, तो सबसे पहला चरण है उसको छोटा करना। फिर वो जो जो छोटा आपने किया है, अलग किया है, उसके बारे में उनके भेदों को समझना कि ये कहाँ पे आएगा। एक पज़ल है जिसको आपको फिट करना है, ये इसको हम कहाँ पे रखें, वो है आपका विभेदीकरण। फिर आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, आप उसको अनुभव करोगे, तब उसको जनरलाइज कर दोगे कि इसका परिणाम क्या होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और PDF के लिए हमारे चैनल को टेलीग्राम पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।